हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ऑलरेडी मो प्लस थ्री फर्स्ट सेमिस्टर थारु सिक्स सेमिस्टर पर्यंत समस्त ओडिया हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी संस्कृत समस्त ऑनर्स वीडियो अपलोड कर सारी प्रोजेक्ट पेपर मध्य आलोचना कर सारी जो आमर इलेक्टिव आउ कंपलसरी सब्जेक्ट अच्छी आलोचना कर सारी ओ प्लस टू रो जो आमर ओडिया इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी एजुकेशन समस्त क्वेश्चन आंसर आलोचना कर सारी आपण मैंने प्लेलीस्ट जाकि देखिपर। दस जन छात्र और शिक्षकों शतकड़ा बयस होड़े वर्ष मान दस जन छात्र आने शिक्षकों बयस मिसिकी हूँ आमर कोड़े वर्ष शिक्षकों बयस बाद देर परसेंटेज आमर 2% वर्ष वर्ष आम कमी जाला तेब आम शिक्षकों बयस केते तो ये आंसर आम कौन करवा आमर दस जन छात्र आने शिक्षक बयस आमर आवरेज केमर 20 है दुईज मिसिकी मैंने दस जन शिक्षक आने छात्र सॉरी दस जन छात्र आने शिक्षक बयस मिसिकी आम 20 ताहले टोटल एज इक्वल टू आमर के टोटल एज इक्वल टू आमर 10 × 20 इक्वल टू 220 टोटल एज आमर आगर आवरेज थिला केते आमर 20 थिला हैला आगर आमर आवरेज थिला 20 आ शिक्षक को बाद देले आमर 10 जन छात्र आवरेज के 2 कम मान 20 रु 2 कमे के 18 ताल आमर टोटल इक्वल टू आमर 10 × 18 इक्वल टू के 180 आमर 10 जन आमर स्टूडेंट कर आमर 180 10 जन स्टूडेंट कर हला ताहले आमर टीचर जने टीचर कर केमिति बाहर करबा एज टीचर कर एज इक्वल टू आमर 220 माइनस 180 करबा ले आमर केते होला 40 ताले टीचर बयस केते हबो 40 तो आंसर हेबो 40। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 आमर कौन थिला ना इफ 4a इक्वल टू 4b इक्वल टू 4c देन फाइंड एज टू बी टू सी तो ये आमको कौन मांगा एज टू बी टू सी तो आम आंसर कौन करवा ना ए इक्वल टू आम कौन करवा ए को छाड़ी देकर आम बी आउ सी को गुणी ने 530 बी इक्वल टू कि पारा ना बी को छाड़ देकर आम ए आउ सी को गुण ना 424 सी इक्वल टू कि पारा ना सी को छाड़ देकर आम ए आउ बी को गुण ना 4×5 20 तो यह 2 काटिले आमर हो 15 ये 2 काटिले आमर 12 ये 2 काटिले आमर 10 15 × 12 = 10 हो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला एक कंटा को 770 टंका रे बिक्री करले हमें 30% क्षति होची ताले से कंटा को केते टंका रे बिक्री करले हमरो 20% लाभ होबो ताले हम कोन करबा धरि न बाहु 100% हला हमरो कंटा रा किणा मूल्य होची 100% 100% हला आमर तार 100% आम जब कि परसेंट बिकले आम 70% क्षति हे ना आमर 100 आमर 70% क्षति हे मान आमर 100 रु 30 को माइनस करदे आम 70 30% क्षति हे आम जदि 100 टकरे कि 70 टकरे बिकवा तामर 30% क्षति हे ताहले 70% भैल्यू आमको के 770 ना नहीं 770 ताहले आमर कॉस्ट प्राइस माने किणा मूल्य आमर 100% इक्वल टू
770 270 इंटू 100 करवा तो ये आमर शून शून कटिगला एगार सात के छः सात के सात एगार को शहे बोलने आम के एगार शह एगार शह ताल कॉस्ट प्राइस माने आमर किना मूल्य एगार शह उपरे आमर 20% एगार शह उपरे आमर 20% जे के मैं एगार शह इंटु शहे कोड़े बहे तो शून शून कटो शून शून कटो आपले 1320 तो आंसर होमर 1320 है आंसर 1320। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला ना आमर ए एक कार्य को 18 दिन में शेष करी से कामटी करता ए दुई गुणा करता तेल दुईज मिसिकी कले से कामटी केत दिन सारे तेल आंसर कर ए रु दुई गुणा बी माने ए जदि आमर 18 काम को 18 दिन में करुच्ची ताहले ए जदि आमर 18 काम को 18 दिन में करुच्ची हैला माने गोटे दिन रो गोटे काम करुच्ची ताहले बी जदि ए आमर एक दिन में गोटे काम करुच्ची हैला ए आमर जदि एक दिन में आमर गोटे काम करुच्ची ताहले बी तार दुई गुणा माने एक दिन में से दुईटा काम करिवो तो दुई जन मिसिकरि कोन हबो ए प्लस बी इक्वल टू आमर 3 गोटे दिन में दुज मिसिकमर तीन टी कम करेंगे तो 18 कम है 18 कम केत दिन करेंगे तो आमर कौन हम 3 × 6 आम 318 6 दिन करेंगे है 6 दिन तो ये आंसर कौन हो 6 डे मो ऑप्शन लिखिनी जो ऑप्शन है 6 डे थी से आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला ना आमर 150 मीटर दैर्घ्यर एक ट्रेन हैला 150 मीटर दैर्घ्यर एक ट्रेन आमर घंटा प्रति आमर केते किलोमीटर 90 किलोमीटर गति करुछि हैला ताहले एक पोल को आमर 20 सेकेंड रे अतिक्रम करुछि ताहले से पोलर दैर्घ्य केते आंसर कौन करवा ना आमर 90 किलोमीटर को आमर मीटर पर सेकेंड रे आमे कले कौन हम 90 किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड रे कले आमर 90 × 5/18 मुझे आमर किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड रे कले 5/18 गुणवा आउ मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर रे कन्वर्ट कले आमर 18/5 रे गुणवा तो ये आमर के 2.5 मीटर पर सेकेंड 2.5 मीटर पर सेकेंड ताहले आमर 20 सेकेंड रे जीव आमर के 25 × 20 इक्वल टू 500 मीटर जीव ताहले आमर ये कौन करवा आम 500 − 150 इक्वल टू 350 −150 इक्वल टू 350 ताहले से पलर दर्ज कते 350। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन ना एक वृत्ताकार एक बिंदु रु है गोटे मान
ବୃତ୍ତାକାର ଅଛି ପଡ଼ିଆ କି ଯାହା କିଛି, ବିନ୍ଦୁରୁ ଆମର 12 କିଲୋମିଟର ଦୂର ରାସ୍ତା ଆମର ଏ ବି ସି ସମାନ ସମୟରେ, ଆଉ ସମାନ ଆମର ଏ ବି ସି ଆମର ସମାନ ସମୟରେ 4 କିଲୋମିଟର, 3 କିଲୋମିଟର ଆଉ 2 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଆମର ଦୌଡ଼ିଲେ, ତାହେଲେ ଆମର କେତେ ସମୟରେ ସେମାନେ ସେ 3 ଜଣ ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁକୁ ପହଞ୍ଚିବେ? ମାନେ ଏଇଠୁ ଧର ସେମାନେ ସମାନ କିଲୋମିଟରରେ ଦୌଡ଼ିଲେ, ତାହେଲେ ଆମର କେତେ ସମୟରେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିବେ? 12 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଦୌଡ଼ିଲେ, ତାହେଲେ ଆମର ସେ ଆନ୍ସର୍ ପୁରା ସାଧା ଅଛି, ଆମର 4 କିଲୋମିଟର, 3 କିଲୋମିଟର ଆଉ 2 କିଲୋମିଟର। ତା'ର ଏଚ୍ ସି ଏଫ୍ କେତେ? ଏଚ୍ ସି ଏଫ୍ ହେଇଯିବ 1। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିଦେବା 12 by 1 12 ଘଣ୍ଟା। କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ କହିଛି ଆରମ୍ଭ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ? 12 ଆୱାର୍ସ। ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆମର ଅମିତ ଆଉ ରାକେଶଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ଆମର କେତେ ନା ଅନୁପାତରେ ଆମର 7:5। ତାହେଲେ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ଅମିତର ବୟସ 36 ବର୍ଷ ହେବ, ତେବେ ରାକେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ କେତେ? ତାହେଲେ ଆମର ଅମିତ ଏବଂ ରାକେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସର ରେସିଓ କେତେ? 7:5। ତାହେଲେ 8 ଆମର ଯଦି 8 ବର୍ଷ ପରେ ଅମିତକୁ 36 ହେଇଯାଉଛି, 8 ବର୍ଷ ପରେ ଅମିତକୁ ଆମର 36 ବର୍ଷ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଜ୍ କେତେ? କ'ଣ କେମିତି ବାହାର କରିବା ନା 36 - 8 ସେସମାନ 28 ନା 36 - 8 ସେସମାନ 28। ଅମିତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 28 ବର୍ଷ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଅମିତର ରେସିଓ ଭ୍ୟାଲୁ, ଅମିତର ମୋର ରେସିଓ ଭ୍ୟାଲୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 7 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମର କେତେ? ମୋର ଅମିତର ଇଏ ହେଉଛି ଅମିତର ରେସିଓ ଭ୍ୟାଲୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ରାଜେଶର, ତାହେଲେ 7 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମର କେତେ? 28। ତାହେଲେ 1ର ରେସିଓ ଭ୍ୟାଲୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ? ଯଦି 7ର ରେସିଓ ଭ୍ୟାଲୁ 28 ହେଲା, 1ର ରେସିଓ ଭ୍ୟାଲୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମର କେତେ ହେଇଯିବ? 427। 427 ତାହେଲେ ଆମ ରାକେଶର କେତେ ଦେଇଛି? ରାଜେଶର ଆମର 5 ଦେଇଛି, ତ 5ର ରେସିଓ ଭ୍ୟାଲୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ? 20 ଇୟର୍ସ। ଆନ୍ସର୍ 20 ଇୟର୍ସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଲା? କୌଣସି ଏକ ମୂଳଧନର ସରଳ ସୁଧ ହାରରେ 24 ବର୍ଷରେ ଆମର 5 ଗୁଣ ହେଉଛି, ତେବେ ସରଳ ସୁଧର ହାର କେତେ? ଆମର କେତେ ନା 24 ବର୍ଷରେ ଆମର 5 ଗୁଣ ହେଉଛି, 24 ବର୍ଷରେ ଆମର 5 ଗୁଣ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ବର୍ଷକୁ କେତେ? ଆଗରୁ ଆମର କେତେ ମନେ ଥିଲା ନା 1 ହେଲା, ଧର ଆମର 1, ହେଲେ ଏବେ କ'ଣ? ଆଗରୁ ଆମର 1 ଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ ହେଲା? 5, 5 ଗୁଣ ହେଲା। ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଳିଲା କେତେ? 4 ମିଳିଲା, 1 ଥିଲା 5 ହେଲା, ତ ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ଅଧିକ ମିଳିଲା? 4 ଅଧିକ ମିଳିଲା, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ, ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4 by 1 ଇଣ୍ଟୁ 100 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମର 400%, ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 400%, ତାହେଲେ 24 ବର୍ଷରେ ଆମର, 24 ବର୍ଷରେ ଆମର 400% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ ବର୍ଷକୁ କେତେ ମିଳିବ? 1 ବର୍ଷକୁ ଆମର 4 by 1 ଇଣ୍ଟୁ 100 by 24, ଆଉ 4 କାଟିଲେ 6 ଯେଉଁ 24, 6 ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର 100 by 6 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମର ୟାକୁ କଲେ 16.2% ଆନ୍ସର୍। ମୁଁ ଅପସନ୍ ଲେଖିନି, ଯେଉଁ ଅପସନ୍ରେ 16.2% ହେବ ଥିବ ସେ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला ना के चक्रवर्ती सुध हार रे हमरे 500 टंका टा हमरे 3 वर्ष रे हमरे 864 टंका हेबो जदी हमरे वर्ष को थरे सुध हार हिसाब करा जबो ताहाले हमरे एटी परे हमरे 500 टंका टा हमरे 3 वर्ष रे हमरे 864 टंका हेबो जदी हमरे वर्ष को थरे सुध हार हिसाब करा जबो ताहरे आमर एटी कौन करिबा ना आमर रेट ऑफ इंटरेस्ट केते ना आमर 500 टंका आमर 3 वर्ष रे केते होचे ना 864 ताले याको आमर 4 काटि देले हबो 125 याको 4 काटि देले हबो आमर 216 ताले आगरु थिला केते आमे लेखि परबे एटी आगरु थिला आमर 125 एबे हला केते 216 ताले 3 वर्ष रे 3 वर्ष रे हमर कोन हबो 3 वर्ष रे हमर ए आइ जबो 125 रो रूट ए आइ जबो 216 रो रूट ताले 125 रो रूट केते 5 216 रो 6 ताहले वर्ष को हमर मिलिबो कते ना 1 वर्ष को हमर मिलिबो 1 बाय 5 इनटू 100 इक्वल टू 20 परसेंट मिलिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर विकास अपेक्षा राहुल हमर 20% अधिक पूंजी करूछि ताहले कमल ताठारु हमर विकास ठारु आमर 20% कम पूंजी निवेश करूँ तेरे समस्ते तीन जन मिसिक एकत्र जदि आम 8280 टंका कर पूंजी निवेश करती तेबे आमर कमल केते टंका पूंजी निवेश करी थिला ताहले आमे आंसर कौन करबा धरिनियो आमर कमल को क्या लगुच कमल आमर 100 टंका इन्वेस्ट करूँ माने पूंजी निवेश करूँ ताहले विकास आमर कमल ठारु आमर 20% कम माने 100 रु 20% कम हेले केते 100 माइनस 80 हेले आमर 20% कम हो ताले विकास विकास आमर 20% कम करूची माने 80 टंका पूंजी निवेश करूची आ राहुल विकास ठारु 20% अधिक करूची माने राहुल विकास ठारु माने 20% अधिक माने 80 रो 20% अधिक माने 120% जे केते 96 ताहाले टोटल तीन जन मिसि के कले हमर टोटल केते हबो 276 टंका हबो ताहाले हमर 100% रो रेशियो वैल्यू बाहर करिबा आमे तो 100% ରାଶି ଘର କାଟୁ ଆମର କେତେ ଦେଇଛି ତିନି ଜଣ ଅଣୁ ମିଶିକି ଆମର କେତେ କରିବେ 8280 ବାଇ 276 ସେମାନେ କେତେ କରିବେ ନା 276 ଇଣ୍ଟୁ 100 ୟାକୁ ଆମର 3 କଟିଯିବ ତାହେଲେ 3 କୁ 100 କଲେ ଆମର କେତେ 3000 ଆନ୍ସର କମଲ ଆମର 3000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତା ବା ପୁଞ୍ଜି କରିଥାନ୍ତା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ଆମର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ ତା'ର 50% ଅଧିକ ହେଲା ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଯଦି 40% ରିହାତିରେ ଆମେ ବିକ୍ରି କଲେ ତାହେଲେ ଆମର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଲସ୍ ବା ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ ମାନେ ଲାଭ ବା କ୍ଷତି ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଧରି ନେବା ସେ ଦ୍ରବ୍ୟଟିର କିଣା ମୂଲ୍ୟ ଦେଇନି ହେଲା ତାହେଲେ କିଣା ମୂଲ୍ୟ ଆମେ 100 ଧରି ନେବା ତାହେଲେ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ଆମର 100 ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ କିଣିକି କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲେ ଆମର 50% ଲାଭ ହେବ 150 ଯଦି ଆମେ 150 ବିକିବା 100 କିଣିକି 50 ବିକିବା ତାହେଲେ 50% ଲାଭ ହେବ ରିହାତି
ତାହେଲେ ଆମର 150ର 50% କେତେ 150ର 50% ଯେ କେତେ 60% ହେବ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମର 150ରୁ ଯଦି ଆମର 50% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି ତାହେଲେ 60% ହେଉଛି ତାହେଲେ 150ର 150ର 60% ଯେ 150ର 60% ଯେ କେତେ ଆମର 90 90ରେ ବିକ୍ରି କଲେ ହେଲା ତାହେଲେ କିଣା ମୂଲ୍ୟ ଆମର 100 ହେଲା କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଆମର 100 ତାହେଲେ ଆମର କ୍ଷତି କେତେ ହେଉଛି ଆମର ଲସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମର 100 ମାଇନସ୍ 90 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 10% କ୍ଷତି ଏଠି କହୁଛି କେତେ ଲସ୍ ବା କେତେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ ଆମର ଲସ୍ ହେଇଯିବ 10% ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ନା ସମ୍ ଦ ସିରିଜ୍ ଆମର 40 ପ୍ଲସ୍ 29 ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଡଟ୍ ଡଟ୍ ପ୍ଲସ୍ 11 ଆମର କ'ଣ କହିଲା ନା ଆମର ଏହି ଅନୁକ୍ରମରେ ଆମର ଯୋଗଫଳ କେତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବରର ସୂତ୍ର କ'ଣ ଅଛି ନା ଏନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ 1/2 ତ ଏନ୍ କିଏ 40 ଇଣ୍ଟୁ ଏନ୍ ସେ 40 ପ୍ଲସ୍ 1 ମିଶିକିରି 41/2 40×40 ତାହେଲେ ୟାକୁ କାଟିଲା 20×41 ଦି ଆମର ହେଇଯିବ କେତେ 820 ତ 1×40ର ସମ୍ ହେଉଛି 1×40ର ସମ୍ ହେଉଛି ଆମର 820 ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦରକାର କେତେ 11×40 11ରୁ ଆମର 40 ଦରକାର ଆମକୁ 11×40ର ସମ୍ ତାହେଲେ 1ରୁ ଆମର 10ର ସମ୍କୁ ଆମେ ଯଦି 11×40ର ସମ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଏରୁ ଯେଉଁ 10ର ସମ୍କୁ ଯଦି 11×40ର ସମ୍କୁ ଫେରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଯିବା ତାହେଲେ 1ରୁ 10ର ସମ୍କୁ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ 1/2 10×10+1 ଯେ ଆମର 11/2 ଏଠି ଆମେ କେତେ ପାଉଛୁ 55 ତାହେଲେ ଆମେ ୟାକୁ ଫେରିଦେବା 820-55 କେତେ ପାଇବୁ 5 ମୋର 6-7 765 ଆନ୍ସର ହେଲା ଇଫ୍ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଟୁ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମର 3:4 ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଆମର 3x-y ଇଜ୍ ଟୁ x+y ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଲା ନା ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଟୁ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଯଦି ଆମକୁ 3:4 ଦେଇଦେଲା ତେବେ ଆମର 3x-y ଇଜ୍ ଟୁ x+2yର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆମେ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ତ ଆମେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଟୁ ଆନ୍ସର ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଟୁ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦେଇଛି 3:4 ତ ଏକ୍ସ ବାଇ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3/4 ତ ଆମେ କାହାର ମାନ ବାହାର କରିବା 3x-y ବାଇ କ'ଣ ବାହାର କରିବା ନା 3x-y ବାଇ x+2y କେତେ ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ ଆମର 3x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମର 3×3-4
बाय थ्री प्लस टू इंटू फोर। ये आम थ्री इंटू थ्री माइनस फोर केमी है ना आमर एक्स रान हूँ थ्री वाई रान हूँ फोर तो थ्री एक्स तो थ्री इंटू थ्री एक्स जगह थ्री लिखल से हीपरी एटी एक्स जगह थ्री लिखल टू वाई वाई जगह फोर लिखल ये वाई जगह फोर लिखल तो ये कौन करवा तीन तीन आम नौ नौ रु चार गले आम पाँच आमर दुई छु आठ आठ तीन दुई छु आठ आठ तीन एगार पाँच बै एगार अनुसार मान युड़क हूँ दुईार एकुश जो आर एम पड़ा क्वेश्चन तार आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन थी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो यार सूत्र आम मन रखी आम यार आंसर आराम से कर मूल्य निरूपण करवा तो आम को इक्वल टू आम यार लॉस सब नहीं जावा लॉस सब नीले आम पाइबा वन प्लस प्लस थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉस थीटा इक्वल टू हमारे तले जो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सॉरी प्लस कॉस थीटा इक्वल टू हमार साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा कटिगला तले को आउ रहा आमर टू साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टू आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कमईदे आम हूँ 3x 6x 4x आ 5x ताहले जदि आम त्रिभुजर आम सिनिकोण समाहर के 180 डिग्री आम जानू तो ये आम कौन पाइल ना 6x प्लस 10 प्लस 4x प्लस 10 प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू कितने 180 डिग्री ले 6x आउ 10x मिसले आमर कितने प्लस 4x आमर टोटल हो जे आमर 15x प्लस 30x प्लस इक्वल टू आमर 180 डिग्री ताहले आमर 15x इक्वल टू 180 माइनस 30 ताहले 180 रो 30 वाले कितने 150 ताहले 15x इक्वल टू 150 x इक्वल टू 150 बाय 15 आपको काटी देने हमें पड़ेगा 2 ताहले 6x हमारा इक्वल टू 6 × 10 = 60 6x इक्वल टू 6 × 10 = 60 प्लस 10 = 70 पाइलु 4x इक्वल टू 6 × 4 = 40 × 10 = 50 5x इक्वल टू 5 × 10 = 50 × 10 = 60 ताहले सबटु बड़ो केते पाइलु 70 बड़ो कोणार परिमाण 70 पाइलु नेक्स्ट हमको क्वेश्चन कौन कहला ए फ्रूट सेलर परचेस को बी लिखी 20 केजी ऑफ आपल को ए लिखी एट आरएस 300 आउट ऑफ क्वांटिटी 2 केजी ऑफ आपल वेयर रटन को आ लिखी एट व्हाट पर केजी शुड सेल द हमर बैलेंस क्वांटिटी ऑफ 20% कौन कहला क्वेश्चन रे ना एक फल दुकानी आमर 200 केजी सेव किणुछी ताले 300 टंगा रे आमर 20 केजी आमर सेव किणुछी 20 केजी आमर सेव करूँच 300 टंका रे तहन आमर 2 केजी पचा वाला रटेन माने पचा वाला अवशिष्ट सेव किग्रा प्रति केते दर रे बिकिले 20% से लाभ होबाय आंसर तो आमर 20 केजी को से किणुच केते ना 300 टंका रे ताहले 1 केजी को केते किणबो 1 केजी को 300/20 काटले आम 15 1 केजी को 15 टंका रे किनिब ताहले 2 केजी आम खराब हो जाइछि ताहले 300 टंका रे किनिछि 20% लाभ रे बिकिबो से 20% लाभ रे 20% लाभ रे बिकिबो ताहले 300 टंका रो 20% लाभ जे 300 टंका रो
कोड़े परसेंट लाभ जे के शह इंटु कोड़े बैशे काटे आम जाते दुईटा सम कटिगला कोड़े दुईटा सम कटिगला कोड़े तीरी षाठिए षाठिए परसेंट आम तार लाभ मिलता 300 टकरे प्लस 60 इक्वल टू 300 60 टकरे मिले कहते हैं 300 मिलता प्लस आम 60 मिसीगला टकर बिकबरे आमर 20 के जी थी 2 के जी आम खराब हो जाते ना तौकू मोर के 20 के जी थी 2 के जी खराब हो जाए के 18 के जी रहा ताले 360 बाय 18 काटले आम के काटले आमर पाइबा 20 ताले सी 20 टका करि जदि बिकिबो ताले आमर 20% लाभ हो गोटे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आमको नेक्स्ट क्वेश्चन कॉल कहला ना ए पर्सन आमर डिपॉजिटेड आरएस 9000 इन ए बैंक आफ्टर 2 इयर्स हि विथड्रॉ आरएस आमर 400 एट दि एंड ऑफ 5 इयर्स हि गेट्स आरएस आमर 7640 फ्रम दि बैंक फाइंड आउट द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर कौन कहला जड़े व्यक्ति एक बैंक रे आमर 9000 टंका जमा कला 12 वर्ष पर से टंका आमर केते हला ना ना 12 वर्ष पर से आम 4000 टंका 4000 टंका से उठाऊ 400 टंका उठाइला तबे आमर 5 वर्ष शेष रे से बैंक थारु आमर केते ना 7640 टंका पाइला तबे वर्षक सरल सुध केते सिंपल इंटरेस्ट केते आंसर तले एठी हमें पी केते पाई गलु हमर 9000 टाइम हमर 2 इयर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन कौन बाहर करिबा तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पीटीआर बाय 100 तो पी हमर 9000 इंटू 2 इंटू आर बार 100 दुईटा सम कटिगला 90 को 2 रे गुणले 180 आर इक्वल टू आम के पाइलु आर इक्वल टू हि 180 पाइलु 2 वर्ष पाई ताले 9000 थिला 4000 काढ़िले ताले 9000 4000 गले केते 5000 आ रहिला ताले टोटल आमर 5000 2 इयर्स रे 180 आमर रेट ऑफ इंटरेस्ट ताले 3 इयर्स रे आमर टोटल आमर 5000 हैला 2 इयर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट 180 ताले मोर 3 इयर रे कौन हम ना 5000 इंटू 3 इंटू आर
ବାଇଶହେ ଦୁଇଟା ଶୂନ ଦୁଇଟା ଶୂନ କଟିଗଲା ପଚାଶ ତିରି ଆମର ଶହେ ପଚାଶ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ଶହେ ପଚାଶ ଥ୍ରୀ ଇୟର୍ସ ପାଇଁ ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମର କେତେ ଅଛି ନା ସାତ ହଜାର ଛଅଶହ ଚାଳିଶ ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମର କେତେ ହେବ ଦୁଇ ହଜାର ଛଅଶହ ଚାଳିଶ ତାହେଲେ ଶହେ ଅଶୀ ପ୍ଲସ୍ ଶହେ ପଚାଶ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ ଆମେ ମିଶାଇଦେବା ଶହେ ଅଶୀ ପ୍ଲସ୍ ଶହେ ପଚାଶ ଦୁଇଶହ ଶହେ ତିନିଶହ ଏଠି ଲେଖିବା ଆମେ ସାତ ଯେଉଁ ସାତ ହଜାର ଛଅଶହ ଚାଳିଶର ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆମେ କେତେ ପାଇଥିଲୁ ଶହେ ଅଶୀ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ପାଞ୍ଚଶହର ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ପାଇଲୁ ନା ଥ୍ରୀ ଇୟର୍ସର ଶହେ ପଚାଶ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଛବିଶହ ଚାଳିଶ ତାହେଲେ ଆମର ଏହାକୁ ମିଶାଇଦେଲେ ଶହେ ଅଶୀ ଆଉ ଶହେ ପଚାଶକୁ ମିଶାଇଦେଲେ ଆମର ତିନିଶହ ତିରିଶ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଛବିଶହ ଚାଳିଶ ତାହେଲେ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଛବିଶହ ଚାଳିଶ ବାଇ ତିନିଶହ ତିରିଶକୁ କାଟିଦେଲେ ଏଇଟ୍ ଏଇଟ୍ ପରସେଣ୍ଟ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆମେ ପାଇଗଲୁ ଏଇଟ୍ ପରସେଣ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ